हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। हमने एचसीएफ और एलसीएम के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, तो अब फर्दर उसको एक्सटेंड करते हैं, एलसीएम के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरा क्वेश्चन है कि मेरे को एक लिस्ट थ्री डिजिट मेरे को नंबर बताना है, नंबर मेरे को बताना है डेट ऑन डिवाइडेड बाय डेट ऑन डिवाइडेड बाय एट एंड इलेवन, लीव रिमाइंडर सिक्स एंड एट रिस्पेक्टिवली। हाँ, तो मेरे को ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि थ्री डिजिट मेरे को लेटेस्ट नंबर बताना है, लीस्ट नंबर बताना है जो कि 8 और 11 से डिवाइड करने पर 8 और 6 और 8 रिमाइंडर शो करें। हाँ, तो ये किस तरह से एलसीएम का क्वेश्चन है। हाँ, तो मेरे को यहाँ पे डिवाइडेड बाय दिया हुआ है, ठीक है, तो ये एलसीएम का क्वेश्चन हो गया। मेरा कीवर्ड देखने का डिवाइडेड बाय ये हो गया। तो कोई नंबर एन है, अगर मैं उसको 8 से डिवाइड करूँगा तो मेरे को रिमाइंडर मिलेगा 6। ये क्वेश्चन हो गया कुछ ए, तो एन इज इक्वल टू 11a+6, मैंने ऐसे लिख लिया। सॉरी, रिमाइंडर मेरे को डिवाइडेड बाय 8, एक मेरे पास ये हो गया। सॉरी, 11 से डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर आता है, और 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 आता है, और 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 आता है। हाँ, तो ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से किस तरह से डिफर था। पिछले वाले क्वेश्चंस में हम जो डिफरेंस देख रहे थे, ये 8 में से 6 गया 2 और 11 में से 8 गया 3, तो ये डिफरेंस अलग था। तो इससे पहले वाले जो मैंने क्वेश्चन किए थे उसमें डिफरेंस सेम था। हाँ, तो ये क्वेश्चन में डिफरेंस अलग अलग है। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं, लेट से हम एक बड़े नंबर से ट्राई करते हैं, वो उसकी वजह है, वो मैं थोड़ा सा लेटर डिस्कस करूँगा। तो चलिए पहले यहाँ पे वैल्यूज़ को रखना स्टार्ट करिए। अगर मैं ए को 0 रखूं, 1 रखूं, 2 रखूं, तो मेरे पास किस तरह से वैल्यूज़ आएंगी। 8, 19 आया, 30, 41, 52, 63। अगर मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 55 + 8 63 है, मेरे को ये नंबर आया। तो अब मेरे को इसमें ये वैल्यूज़ पुट करनी है कि मेरे को रिमाइंडर 6 शो करे। हाँ, तो मैं वो वैल्यूज़ ट्राई करके देखता हूँ कि जो मेरे को रिमाइंडर 6 शो करें। हाँ, तो लेट्स से मैं चेक कर लेता हूँ, लेट्स चेक। हाँ, तो मेरे को यहाँ पे देखना है ये जो नंबर मैंने निकाल लिए, तो मेरे को यहाँ पे जब मैं इसको 8b को 8 से डिवाइड करूँ तो मेरे को रिमाइंडर 6 मिलेगा कि नहीं, नहीं 1 मिलेगा मेरे को रिमाइंडर, 0 मिलेगा। जब मैं 19 को 8 से डिवाइड करता हूँ मेरे को 6 रिमाइंडर मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मैं 30 को 8 से डिवाइड करूँ तो मेरे को रिमाइंडर 6 मिलेगा, बिल्कुल, क्योंकि नंबर तो वही सेम है। तो अगेन मैं इस नंबर को अगर 30 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर मेरे को 6 मिलता है, तो ये 30 आ गया। तो वैसे भी अगर मैं इसमें वैल्यूज़ रखूँ तो वो मैं कैसे कैसे रखूँगा। अगर मैं यहाँ पे 30 करूँ तो अगला नंबर 38 रहने वाला है, अगला नंबर हमारा 46 हो गया, अगला नंबर हमारा 54, 62, 70, 78, 86, 94, 102, 110, 118, 126, मेरे को ये नंबर मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, 8 3 24 + 6 30, 8 4 32 और 6 38, तो इस तरह से 8 8 के गैप पे वो नंबर मेरे को मिलते रहे। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 30 एक लीस्ट नंबर है, लीस्ट नंबर है विच ऑन बीइंग विच ऑन बींग डिवाइडेड बाय 8 एंड 11 विल लीव रिमाइंडर 6 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। हाँ, मेरे को ये रिमाइंडर वो बचा रहे हैं। हाँ, तो लेट्स से कि हम ये फर्स्ट डिजिट नंबर हमने देख लिया, जो सबसे लीस्ट नंबर था 2 डिजिट का, वो 30 हो गया। तो अगेन हम देखें कि लीस्ट 3 डिजिट नंबर वो कितना होगा। लेट्स से अगर मैं इसको फर्दर एक्सटेंड करूँ तो 63 के बाद 74 होगा, फिर इसके बाद 85, फिर 96, फिर
फिर 107, फिर 118, यानी 11 11 का इसमें डिफरेंस हो गया, और यहाँ पे ये 8 8 का डिफरेंस हो गया। हाँ, तो उसके बाद ये 118 क्या है, इसमें कॉमन है, यानी मेरे को पहला नंबर 30 मिला और उसके बाद मेरे को सेकंड नंबर कॉमन 118 मिला। तो इससे एक इंडिकेशन आपके दिमाग में आ गया होगा, मैं इन दोनों का डिफरेंस करता हूँ तो डिफरेंस मेरे पास 88 हो गया। तो यानी कि एक अगर 11 की स्पीड से जा रहा है, एक अगर बी की स्पीड से, 8 की स्पीड से जा रहा है, तो वो दोनों एक साथ कब मिलेंगे, वो इनका एलसीएम 88 उस पर मिलने वाले हैं। हाँ, तो यहाँ पे भी वो डिफरेंस 88 होगा। हाँ, तो इसके बाद फिर इसमें 88 ऐड करिएगा, वो कितना आएगा। हाँ, तो ये नंबर इसमें 88 जोड़िएगा, 206, उसमें अगेन 88 जोड़िएगा तो 294, तो ये मेरे नंबर बनने वाले हैं। तो एक मैं फिर से रिपीट करवा रहा हूँ कि मेरे को 3 डिजिट लीस्ट नंबर निकालना है जो कि 8 और 11 से डिवाइड करने पर 6 और 8 रिमाइंडर शो कर रहा है। तो मैंने ये दो जनरलाइज टर्म लिख ली, फिर मैंने ये बड़ी टर्म ली। हाँ, ये तो बड़ी टर्म मैंने इसलिए ली ताकि मेरा रिजल्ट फास्ट आए, अगर मैं छोटा नंबर लेता तो मेरे को वैल्यूज़ ज़्यादा लिखनी पड़ती। ये मेरे को 30 तीसरे नंबर में मिल रहा है और ये मेरे को चौथे नंबर पे मिलेगा 30, तो इसलिए रिज़ल्ट और कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए मैं ये अप्रोच फर्स्ट लगाता हूँ। हाँ, तो उसके बाद मेरे को ये 88 का गैप मिल रहा है, फिर 206, फिर 294। हाँ, तो मेरे को सवाल में इसमें एक जनरल सेंस मैं लिखूँ तो कैसे लिखूँगा मैं एन को, तो वो इस तरह से हो गया 88, इसका कुछ मल्टीपल होगा क्यू प्लस 30, 30 के यानी 88 के गैप पे वो जा रहे हैं प्लस 30, उसमें 30 हम ऐड करेंगे, मींस पहला नंबर 30 होगा, फिर दूसरा 88 को 1 से मल्टीप्लाई करके 30 प्लस 88, ऐसे ही तीसरा नंबर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 30 उसमें ऐड करेंगे। तो ये मेरा जनरलाइज टर्म हो गया, यानी कि हम एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो जैसे ये 88 इंटू 1 प्लस 30, 118, ऐसे ही 88 इंटू मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ प्लस 3, तो ये 910। तो अगर मेरे को लीस्ट 3 डिजिट नंबर मांग रखा था, तो अगर मैं सवाल में पूछूं कि मेरे को ग्रेटेस्ट नंबर अगर निकालने का है तो मैं नंबर कैसे निकालूंगा, तो ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए मैं 10 से मल्टीप्लाई किया, 910 आ गया और उसमें 30 ऐड किया, तो उसके बाद 88 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूं और उसमें 30 ऐड करूं तो मेरे को नंबर क्या मिलने वाला है, 998। तो ये मेरा क्या होगा, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर होने वाला है, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है मेरे पास, अगर मेरे को 3 डिजिट लीस्ट नंबर मेरे को बताना है, 3 डिजिट का लीस्ट नंबर मेरे को बताना है जो कि व्हेन डिवाइडेड बाय मतलब एन, वो अगर 7 से डिवाइड हो तो रिमाइंडर मेरे को आए 5, वो अगर 11 से डिवाइड हो तो मेरे को रिमाइंडर आए 7। हाँ, तो फिर अगेन इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, वही करने का तरीका, इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे 11a प्लस 7, मैं बड़ी टर्म से लिख रहा हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन फास्ट आए, एन इज इक्वल टू 7b प्लस 5, ये मेरा दूसरा नंबर हो गया। हाँ, तो मेरे को इसकी जनरल सेंस अब डायरेक्ट मैं निकालूंगा, इन दोनों का एलसीएम मैं करूँ 77a प्लस, अब मेरे को वो पहला नंबर निकालना है जो इन दोनों में कॉमन होगा। हाँ, तो मैं इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को पहला नंबर आएगा 7, 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो 7, 1 से करूँ तो अगला नंबर आएगा 18, फिर 29, फिर 40, फिर 51। हाँ, तो मैं इसमें इसको डिवाइड करके देखता हूँ रिमाइंडर 5 आएगा कि नहीं, 7 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0, तो यहाँ 5 दिया हुआ है तो ये मैं नहीं लूँगा। 18 को 7 से डिवाइड करूँ तो मेरे को रिमाइंडर क्या मिलने वाला है, 5 नहीं मिलेगा। 29 को 7 से डिवाइड करूँ तो मेरे को रिमाइंडर कितना मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा, 7 चौके 28, रिमाइंडर मेरे को 1 मिल गया। हाँ, तो मैं 40 को अगर 7 से डिवाइड करूँ तो वो 5 रिमाइंडर मेरे को मिलेगा,
35 आएगा, 57 35, और 5 मेरे को रिमाइंडर आ गया। तो यानी कि 40 ऐसा नंबर है जो पहला लीस्ट कॉमन नंबर आएगा, 40। हाँ, तो मेरे को अगर इसका फर्स्ट नंबर निकालना है 3 डिजिट का, तो 77 × 1 + 40, तो ये 117 हो गया। तो मेरे को ये 3 डिजिट लीस्ट नंबर मेरे को आ गया। सवाल में मेरे को 3 डिजिट लीस्ट नंबर मांग रखा था, तो मैं ग्रेटेस्ट नंबर भी निकाल सकता हूँ, वो भी आसान है। हाँ, तो चलिए इसकी एक एप्लीकेशन कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास कि इफ एग आर रिमूव्ड फ्रॉम ए हाँ, तो अगर एग इफ एग्स आर रिमूव फ्रॉम ए बास्केट, अगर वो 2 के ग्रुप में रिमूव करे तो 1 एग बचता है, 3 के ग्रुप में रिमूव करे तो रिमाइंडर 2 बचता है। रिमाइंडर के कंसेप्ट से सोचो कि अगर उस बास्केट जो कि पूरी एग की भरी हुई है, अगर उसमें से 2 के ग्रुप में एग निकालें तो मेरे पास 1 बचता है, 3 के ग्रुप में निकालें, तीन तीन करके निकालें तो मेरे पास रिमाइंडर 2 बचता है, 4 के ग्रुप में निकालें रिमाइंडर 3 बचता है, 5 के ग्रुप में निकालें रिमाइंडर 4 बचता है, और अगर 6 के ग्रुप में उस टोकरी में से एग निकालें तो हमारे पास 5 एग्स बचते हैं। तो सवाल में, और इन्होंने ये बोला है कि अगर 7 के ग्रुप में निकालें तो कोई भी एग बचता नहीं, मीन्स कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। तो व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ एग्स डैट कुड हैव बीन इन बास्केट। हाँ, याद, हमने रिमाइंडर कुछ क्वेश्चन किए थे कि सपोज करो वो लीस्ट नंबर ऑफ एग एन ही थे, तो अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करूँ तो मेरे को रिमाइंडर 1 आएगा, कुछ क्वेश्चन ए हो गया। ऐसे ही मैं उसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे को रिमाइंडर 2 आएगा, ऐसे ही 4 के लिए, ऐसे ही 5 के लिए, और ऐसे ही 6 के लिए, ऐसे ही 7 के लिए आप कर लीजिएगा। मैं इनकी जनरलाइज्ड इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, 2 × a + 1, ऐसे ही 3 × b + 1, ऐसे ही 4 × c + 3। ऐसे क्वेश्चन में मैंने एक जनरल सेंस आपको बताई थी इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कि आप क्या करो, इनका एलसीएम लो, जो मेरे पास 2 3 4 5 6 ये जो नंबर मेरे पास आए हैं, इन नंबर का मेरे को ये आ गया, ये जनरल सेंस हो गया, × y, और जो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस था सभी में सेम है, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, और 6 में से 5 गया 1, तो सभी में कॉमन डिफरेंस सेम था, तो वो कॉमन डिफरेंस मैं क्या कर देता था, माइनस कर देता था। तो मेरे को ये आएगी, इसकी एलसीएम क्या आएगा, 60y − 1। तो ये मेरे को जनरल सेंस बन गई, लेकिन एक कंडीशन दी हुई है कि आपको एग अगर 7 के ग्रुप में निकालते हो तो कोई एग बचता नहीं, मीन्स कोई भी रिमाइंडर बचता नहीं। हाँ, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ डालूंगा, अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो मेरे को आंसर आएगा 59। हाँ, तो 59 को जब मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, पहले मैंने y को 1 रखा तो 60 − 1 = 59। हाँ, तो ये तो मेरे का रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा है, पूरी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। हाँ, तो फिर मैं y को 2 रखता हूँ तो ये मेरे को कितना आया, 120 − 1 = 119। हाँ, तो इस नंबर को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो ये नंबर तो पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो मेरे को एग 0 बच रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो सवाल में मेरे को पूछा गया था कि लीस्ट नंबर ऑफ एग डेट कुड हैव बीन इन द बास्केट, हाँ, तो जो मेरा आंसर होगा वो कितना होगा, 119। दिस इज द लीस्ट नंबर ऑफ एग्स डेट हैव बीन इन द बास्केट।